यूपी की जमीन पर खौफ का खूनी खेल, बाहुबली विजय मिश्रा के खौफ की कहानी। खुद को जनबली कहता था ये बाहुबली। भदोई की फिजा में बाहुबल का जहर घोलने वाला विजय मिश्रा। आगरा जेल में बंद है बाहुबली विजय मिश्रा। धनापुर में है विजय मिश्रा का घर। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलापति त्रिपाठी का करीबी था बाहुबली। बाहुबली का वर्चस्व खौफ में बदोई। नमस्कार, मैं हूं शाइस्ता और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास शो बाहुबली। उत्तर प्रदेश की जमीन पर जब जब खून बहा तो बाहुबल का वर्चस्व और परवान चढ़ा। ये जमीन बाहुबलियों की दास्तां को इस कदर बयां करती है कि जैसे सिक्का सरकार का नहीं बाहुबलियों का चलता है। इस जमीन पर बाहुबलियों के नाम से लोग कांप उठते हैं। आज हम ऐसे ही बाहुबली नेता की बात कर रहे हैं। विजय मिश्रा एक ऐसा नाम जो जाना जाता है भदोई के बाहुबली के रूप में, लेकिन ये खुद को कहता है जनबली। उत्तर प्रदेश का जिला भदोही, जहां कालीन के साथ साथ बाहुबली नेता विजय मिश्रा भी चर्चित हैं। बाहुबली विजय मिश्रा के डर और खौफ की कहानियां यहां इस कदर दहशत मचाती हैं कि भदोही ही नहीं बल्कि भदोही के बाहर भी विजय मिश्रा का एक बड़ा नाम है। धाक ऐसी कि सरकार किसी की भी हो या पार्टी किसी की भी, लेकिन चुनाव में जीत विजय मिश्रा की होगी। विजय मिश्रा खुद आगरा जेल में बंद है, लेकिन इस बार उनके वर्चस्व को भदोही की फिजा में घोलने के लिए उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने चुनाव प्रचार किया और चुनाव के मैदान में उतरी। इस बार बाहुबली विजय मिश्रा ने भदोही से क्षेत्रीय पार्टी प्रगतिशील मानक समाज पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ा। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे महज एक विजय मिश्रा नाम का साधारण सा आदमी यूपी वालों के लिए एक बाहुबली बन गया और फिर शुरू हुआ खौफ का नंगा नाच। दरअसल 80 से 90 के दशक में वाराणसी को काटकर भदोही जिला बनाया गया। यही एक गांव है धनापुर, जहां विजय मिश्रा का घर है। शुरुआत में विजय मिश्रा पेट्रोल पंप का मालिक था, ट्रांसपोर्ट का काम भी करता था। भदोही जब बसा तो विजय मिश्रा ने अपने खौफ की दुनिया को सजाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलापति त्रिपाठी के करीबी होने के चलते राजनीति में एंट्री हुई। 90 के दशक में विजय मिश्रा ब्लॉक प्रमुख बना। इन चुनाव में विजय मिश्रा ने सभी सीटों पर परचम लहराया। भदोही के ज्ञानपुर सीट से 2002 में विधानसभा टिकट मिला तो विजय मिश्रा ने जीत दर्ज की। साथ ही आसपास की सीटों पर भी सपा के प्रत्याशी जितवा दिए। हालांकि साल 2005 के आते आते विजय मिश्रा की अपराध फाइल भी काफी मोटी हो रही थी। इसी साल उनकी पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई। साल 2007 में बसपा की सरकार बनी, लेकिन विजय मिश्रा फिर चुनाव जीते। साल 2009 में उपचुनाव के दौरान सुर्खियों में, जब पुलिस विजय मिश्रा को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन चुनावी जनसभा कर रहे मुलायम सिंह यादव उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बिठा कर ले गए। फिर साल 2010 में उस पर बीएसपी की सरकार में मंत्री रहे नंद गोपाल नंदी पर बम बरसाने और हमला करने का आरोप लगा। विजय मिश्रा 7 महीने गायब रहा, गेरुआ वस्त्र पहनकर देशभर में घूमता रहा। पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा। फिर 2011 में दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। उस वक्त विजय मिश्रा पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज रहे। साल 2012 में जेल के अंदर से चुनाव लड़ा और बड़े पैमाने पर जीत दर्ज की। साल 2017 में अखिलेश ने उन्हें टिकट नहीं दिया। खबरें आई कि अखिलेश ऐसे बाहुबलियों को किनारे कर रहे हैं। वहीं ये बाहुबली कई बार मीडिया के सामने आया, जो खुद को बाहुबली नहीं जनबली कहता है। विजय मिश्रा कहता है कि जब जीत रहा था तब मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचा गया। हालांकि 2017 में निषाद पार्टी से चुनाव लड़ा और जीता। 2019 आते आते भाजपा के खिलाफ हो गए। एक बार फिर केस दर्ज होने लगे और विजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर चले, संपत्तियां कुर्क की गई। विजय मिश्रा एक बार फिर फरार हुआ और साल 2020 में एमपी से गिरफ्तारी हुई। ये बाहुबली आगरा की जेल में कैद है, लेकिन आज भी बाहुबली का वर्चस्व भदोही की सड़कों पर अपना खौफ पसारे हुए है। इसी तरह यूपी के बाहुबल और बाहुबलियों से जुड़ी हुई दास्तां जानने के लिए देखते रहिए न्यूज स्टेट का खास प्रोग्राम बाहुबली। एक बार फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए एपिसोड में नई कहानी लेकर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।